सो हाँ जी, कैसे हो, क्या हाल चाल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त चौकस एकदम आपके भाई की तरह। वेल, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज मैं एक रिएक्शन में दो गाने सुनने वाला हूँ, और वो दोनों गाने अपने आप में कह लो बाकमाल गाने हैं। जो पहला गाना है वो अक्षरा सिंह का है, और दूसरा है पवन सिंह भाई का रिप्लाई, जो पवन सिंह भाई ने अक्षरा को बड़ा ही मज़ेदार रिप्लाई दिया था। सो आज वो दोनों गाने सुनूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं पूरी बातचीत करता रहूंगा आपके साथ साथ साथ, और मैं इन हेडफोन्स में करने वाला हूँ जो मुझे पवन सिंह भाई ने गिफ्ट दिए हैं। अगर आप इन हेडफोन्स के बारे में वीडियो देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में भी। सो हम पहला गाना एंजॉय करते हैं, जो था अक्षरा सिंह की तरफ से, यही खाती आरा जानी। देखते हैं क्यों आरा जानी, लेट्स बिगिन, करते हैं गाना एंजॉय। अरे जियो, क्या बात है, ये सुंदर बहुत है लड़की, उसके पास टैलेंट नहीं है लेकिन ब्यूटी बहुत है। वही टिपिकल साउंड है। बलिया बनर चली चल जानी हो, प्यार देखी मन से मचल जानी हो। क्या बात है यार, का हो बलिया बनर चली चल जानी हो, प्यार देखी मन से मचल जानी हो। सुटकारे क्या बात है, मस्त गाया यार गाना बंदी ने। टिपिकल इंडियन ब्यूटी है यार, बहुत सुंदर है ये लड़की। येलो येलो क्या बात है, डांस भी साफ था। ट्यूनिंग उसी गाने की लग रही है जो पवन सिंह भाई का था। असली मजा तो पवन सिंह वाले वर्जन में आएगा। चलो अब हम इसको यहीं बंद करते हैं और पवन सिंह भाई वाला वर्जन सुनते हैं, क्योंकि भाई असली मजा तो फिर पवन सिंह भाई ने लाया था ना। सब बारी है पवन सिंह वाला वर्जन सुनने की, यही खाती आरा ही ले। अब पवन सिंह बताएंगे कि आरा में क्यों आते हैं, और भाई इस वीडियो में हम दोनों के सेम हेडफोन्स यूज़ किए हैं। भाई ने अपने स्टूडियो में हेडफोन्स जो मुझे गिफ्ट किए हैं, बिल्कुल सेम हेडफोन्स हैं हमारे, और मज़ा आएगा। लेट्स बिगिन, देख लो सेम है ना हेडफोन्स, क्या बात है। ये गाना मेरा फेवरेट है भाई, लिटरली छपरा में छुएने तो कुछ न भय, बाकी बलिया से मन हमर खुश न भय। छपरा में छुएने क्या बात है, पूरा स्टेज का थीम है, बाकी बलिया से मन हमर खुश। इस गाने की जो वीडियो है ना, ऐसे नहीं स्पेशल से बनाई गई है, पुराने जो स्टेज शो हैं वही उठाकर और स्टूडियो वाला सिंक लेकर बना दी। क्या बात है, स्टूडियो में भाई यार बनैन पहनकर हमेशा की तरह। वाई भाई यार इस गाने में लिखा है, ससरम मौहा उकर बे न कोइलस आ गई निपटा न हमें। अरे का तोर मन नहीं भर पाई आतना में, अच्छा हम जाना तनी सब बाड़े कतना में, खाली घूम के गुजारा कइले न त यही खतिया रा आइले। क्या बात है यार, इस बंदे की आवाज में ना जो एक वाइब है जो मैं हमेशा कैच करता हूँ, और स्टूडियो में पूरी वाइब बना रहे हैं बंदे भाई, अंदर गा रहे हैं और बंदे सुन के मजे ले रहे हैं।
सुनी पवन कोरोना सांप बारा बात कोई जावना के रोवे लोग लोग हम जाना तानी बाट तोरा नियत लोग ढेर लोग कितने बारे खाई ले ता यही खाती आ रहा है क्या बात है ये गाना थोड़ा छोटा है लेकिन मेरा फेवरेट है क्या बात है यार क्या बात है। इस गाने में जो वाइब है ना एक डिफरेंट सी वाइब है इस गाने के अंदर जो भाई मेरे को इतनी मस्त लगती है। सो भाई पहले हमने सुना अक्षरा सिंह वाला वर्जन और उसके बाद सुना पवन सिंह भाई का एक सैवेज रिप्लाई जो उसी गाने को रिप्लाई था। और भाई मुझे तो दोनों गाने बाकमाल लगे। आई होप आपने मेरी रिएक्शन वीडियो को एंजॉय किया होगा। बहुत जल्द पवन सिंह भाई का बहुत कुछ नया आ रहा है और मैं ऐसी ऐसी न्यूज़ें लेकर भी आता रहता हूँ अपने दूसरे चैनल पर। सो अगर आप न्यूज़ देखना चाहते हो तो आप वो चैनल को चेकआउट कर लेना और इन हेडफोन्स की वीडियो देखना चाहते हो तो भी उस चैनल पे है। और बहुत जल्द पवन सिंह भाई के नए गाने आएंगे, मैं उस पर रिएक्शन वीडियो लेके इस चैनल पे आता रहूँगा। आप सब्सक्राइब कर लो, मिलते हैं बहुत जल्द। बाय। इट साउंड राइट बॉय।